भारत एक ऐसा देश है जहां हर वक्त किसी न किसी राज्य में आपको चुनाव होते हुए मिल जाएंगे। बीते दिनों देश की एक लोकसभा और चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं। चारों राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो की जीत हुई है। वहीं बिहार के बोचहां सीट से राजद के प्रत्याशी अमर पासवान ने जीत हासिल की है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव ने जीत हासिल की है। अब जानते हैं कि आखिर किसको कितने वोट मिले हैं। आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने 2,64,913 वोटों से जीत हासिल की है। बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो ने 9,000 से भी ज़्यादा वोट से जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की जयश्री यादव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को 19,000 वोटों से हराया है। बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर राजद के अमर पासवान विजयी हुए हैं। इन्होंने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हराया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की है। तो इस तरह उपचुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। अब बीजेपी की इस हार पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।